नमस्कार, एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर सिकलेस दिवस आज मनाया जाएगा। न्यू सर्किट हाउस में ये सिकलेस दिवस मनाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के सिकल सेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। सिकल सेल से पीड़ित होने के बावजूद उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, यहां पर सिकल सेल दिवस आज मनाया जाएगा। न्यू सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम होगा जहां पर सिकल सेल दिवस मनाया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सिकल सेल क्या होता है और इस दिवस पर आज क्या कुछ खास रहने वाला है रायपुर में? देखिए, सिकल सेल खास करके जो बच्चे होते हैं उनको प्रभावित करता है और आज सिकल सेल दिवस है और इसके उपलक्ष्य में न्यू सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे। इसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें जो संस्था जिन्होंने सिकल सेल के प्रति लोगों को जागरूक किया है उन संस्थाओं को सम्मानित मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा और इसके साथ ही जो सिकल सेल से पीड़ित छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने पीड़ित होने के बावजूद ग्रसित होने के बावजूद उपलब्धि हासिल की है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में जो पीड़ित हैं सिकल सेल से और जो अभी सिकल सेल की बीमारी से उभरे हैं वो सभी अपना अनुभव साझा करेंगे। तो सिकल सेल हालांकि लोग इसको छोटा बीमारी समझते हैं लेकिन सीधे तौर पर खास करके बच्चों को छात्र छात्राओं को ये ग्रसित करता है और काफी ज्यादा खतरनाक होता है और समय समय पर स्वास्थ्य विभाग भी सिकल सेल की दवाई लगातार घर घर जाकर देता है, जागरूक करने में लगा होता है। चाहे अलग अलग तरीके हो स्वास्थ्य विभाग के उनके माध्यम से वो लगातार जागरूक करते नजर आता है। तो आज इस पूरे सिकल सेल दिवस के मौके पर सिकल सेल पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार ये होता क्यों है और इसको दूर करने के क्या क्या उपाय होने चाहिए और जो सिकल सेल पीड़ित है वो अपना अनुभव भी साझा यहाँ पर करेंगे। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे हेमंत कि सिकल सेल के क्या कुछ लक्षण होते हैं और सिकल सेल से अगर कोई मरीज, कोई बच्चा, कोई छात्र अगर ग्रसित हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, सिकल सेल की अगर बात की जाए तो सिकल सेल काफी ज्यादा प्रभावित छत्तीसगढ़ में लोगों को कर रहा है, खास करके बच्चों को। कमजोरी एक तरीके से इसमें होता है और खास करके मैंने पहले ही बताया कि बच्चों को इस लक्षण इसमें ज्यादा दिखते हैं। सिकल सेल की बीमारी रायपुर में भी देखने को मिली थी और पिछली जो सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा था कि सिकल सेल काफी गंभीर बीमारी है और इसको रोकथाम के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं और उपाय भी उस समय किए थे और अभी भी इसके उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है और सिकल सेल के प्रति हमेशा जो अस्पताल है उनको भी कहा गया है कि सिकल सेल की बीमारी का इलाज आपके यहाँ हो और इसके अलावा स्मार्ट कार्ड योजना के माध्यम से भी इसका इलाज होता है, सरकार इसका इलाज कराती है। तो हालांकि इसमें लगातार लोग सरकार जागरूक करने की कोशिश कर रही है और लोग अब जागरूक होते भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सिकल सेल की बीमारियां पहले होती थी उतना अब अभी के आंकड़े देखा जाए तो उतना ज्यादा नहीं दिखता। सिकल सेल का जिस न्यू सर्किट हाउस में कार्यक्रम रखा जा रहा है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे, कुछ खास भी रह सकता है इस पूरे कार्यक्रम में? हेमंत, देखिए निश्चित तौर पर इसलिए खास होगा क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हो रहे हैं
और वो अपना अनुभव एक तरीके से अपना अनुभव भी वहाँ पर रखेंगे लोगों के सामने, और ये कोशिश भी करेंगे कि कहीं किसी किसी तरीके से लोग इसके प्रति जागरूक हो, और एक तरह से वो कई तरह की आंकड़े भी वहाँ पर देते नजर आएंगे, और सिकल सेल के बारे में पूरी चर्चा वो लोगों को करेंगे, अनुभव अपना साझा करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएन सिंहदेव भी खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनको अच्छे से पता है कि क्या चीजें अच्छी है क्या नहीं, चीजें अच्छी नहीं है, तो सभी चीजों को लेकर वो भी वहां पर मौजूद जो अधिकारी रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, छात्र छात्रा रहेंगे, संस्था के जो लोग रहेंगे, सभी को वो एक मैसेज देंगे, एक टिप्स देंगे सिकल सेल को लेकर। बने रहे हेमंत हमारे साथ अगली खबर।